फ्रेंड्स, मेरे दो सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि हॉट और वार्म में क्या फर्क है, यानी हॉट मींस गर्म और वार्म मींस गर्म। तो फिर हम कैसे जानेंगे कब हमको हॉट का इस्तेमाल करना है और कब हमको वार्म का इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले। हॉट मींस जनरली टू मच वार्म। हॉट मतलब आमतौर पर, हॉट का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है, यानी उसमें ऐसी गर्मी है जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे खाया नहीं जा सकता। अगर आप उसे खाएंगे या छुएंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात वार्म की करें तो मैं आपसे कहूंगा वार्म मींस कंफर्टेबल टेम्परेचर, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जो कंफर्टेबल होती है, यानी आप उसे छू सकते हैं, आप उसे खा सकते हैं। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है फायर इज हॉट और मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है फायर इज वार्म। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में दूसरा वाला सेंटेंस गलत है जबकि पहला वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि आग के अंदर जो गर्मी होती है उसे आप छू नहीं सकते हैं, वो आपके लिए कम्फर्टेबल नहीं है। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टी इज वार्म और दूसरा एग्जाम्पल है टी इज हॉट। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर हम लोग गर्म चाय पीते हैं, यानी चाय हम लोग गर्म तो पीते हैं लेकिन यहाँ चाय की गर्मी कंफर्टेबल होती है, इसलिए यहाँ पर टी इज वार्म बोलना सही है। लेकिन आप टी इज हॉट तब बोलेंगे जब चाय हद से ज्यादा गर्म हो और आप नहीं चाहते हैं कि सामने वाला पिए, तो आप उसे कहेंगे टी इज हॉट, यानी चाय बहुत गर्म है, तुम्हारी जुबान जल सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा वार्म मींस गर्म लेकिन कंफर्टेबल और हॉट मींस गर्म लेकिन नॉट कंफर्टेबल। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग वार्म खाना खाते हैं, हम लोग जो गर्म खाना खाते हैं वो वार्म होती है न कि हॉट, क्योंकि अगर वो हॉट होगी तो आप उसे खा नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।